हेलो गाइस, वेलकम द चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम पेपर नंबर 9 ग्रुप 2 ऑपरेशन मैनेजमेंट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है कैपेसिटी प्लानिंग। चैप्टर का नाम है कैपेसिटी प्लानिंग, चैप्टर नंबर है 2.2 अकॉर्डिंग टू बुक। तो आज हम कैपेसिटी प्लानिंग करने वाले हैं। तो कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है ये जान लेते हैं, और इनका यूज़ कैसे कैसे होगा। तो कैपेसिटी प्लानिंग के ये नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये नोट्स क्या हैं, क्या कहते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग क्या कहता है ये जान लेते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग कहता है, तो कैपेसिटी प्लानिंग क्या कहता है, कैपेसिटी प्लानिंग कहता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मशीन होगी, उस मशीन की कैपेसिटी कितना होगा, उस कैपेसिटी को हमें प्लान करना होगा, तो उसे हमें कहते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है। तो कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है, यहाँ पर जो वो पढ़ते हैं, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब जो कैपेसिटी है, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, वो होगा इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैपेसिटी की और प्रोडक्ट की, किस पे, प्रोडक्ट की और ऑपरेशन मैनेजमेंट की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट दैट मीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट दैट मीन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी इज टू मैच द लेवल ऑफ ऑपरेशन टू द लेवल ऑफ डिमांड। तो लेवल ऑफ ऑपरेशन होता है और एक लेवल ऑफ डिमांड होता है। तो क्या, किस में कंट्रोल करना होगा हमें, प्लानिंग एंड कंट्रोल करना होगा। ऑफ कैपेसिटी इज टू मैच द लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड द लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हमें कैपेसिटी की क्लासिफिकेशन किस किस तरह की हो सकता है। तो कैपेसिटी की क्लासिफिकेशन होता है, कैपेसिटी इज द क्लासिफाइड इन मैनी वे, सच एज अ बजट, डेडिकेटेड, प्रोडक्टिविटी, प्रोटेक्टिविटी, रेटेड, सेफ्टी, स्टैंडिंग एंड डिमोन्स्ट्रेट। मेनली द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी इज टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ, कौन कौन से टर्म्स में कैपेसिटी बात बोला जाता है, डिजाइंड और रेटेड कैपेसिटी, प्लान कैपेसिटी और डिमॉन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी। अब डिजाइन कैपेसिटी क्या होती है, डिजाइन कैपेसिटी और रेटेड कैपेसिटी का मतलब है, डिजाइन कैपेसिटी इज ऑल्सो द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब जो डिजाइन कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। विच इज अ फैसिलिटी कैन अचीव, इट डिफाइन द हाइएस्ट नॉर्मल आउटपुट दैट अ प्रोसेस कुड अचीव। डिजाइन कैपेसिटी इज यूजली हायर देन द नॉर्मल आउटपुट। अब जो डिजाइन कैपेसिटी होती है वो हायर देन नॉर्मल आउटपुट के ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल आउटपुट है उससे हमारा ज़्यादा होता है। नॉर्मल आउटपुट का मतलब है, जब हमारा कोई बिजनेस में प्रोडक्ट बन रहा होगा, जो हमारा नॉर्मल आउटपुट है उससे ज़्यादा ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल आउटपुट रेटेड से, ठीक। डिज़ाइन एंड रेटेड कैपेसिटी हो गया। अब हमें जानना है कि प्लांट कैपेसिटी क्या होता है, कि प्लांट कैपेसिटी इज़ द कैपेसिटी विच इज मेंटेन्ड और अचीव्ड इज अ नॉर्मल ऑपरेशन। प्रोडक्शन प्लान्स एंड शेड्यूल आर वर्कड आउट बेस्ड ऑन प्लांट कैपेसिटी, एंड प्लांट कैपेसिटी इज यूजली लेस देन द डिज़ाइन कैपेसिटी। अब प्लांट कैपेसिटी क्या है, कि अब हमें प्लान करना होगा कि नॉर्मल ऑपरेशन और यहाँ पे कि हमें विच इज मेंटेन्ड और अचीव्ड इज अ नॉर्मल ऑपरेशन। हमें एक वे मेंटेन करना होगा कि कैसे हमें प्लांट कैपेसिटी हमें वर्क करनी है, कैसे हमें बनाना है प्लांट कैपेसिटी, हमें एक मेंटेन करना है, फिर हम उसे अचीव करेंगे, देन हमारा नॉर्मल ऑपरेशन होगा। फिर प्रोडक्शन प्लान करना होगा, शेड्यूल प्लान करना होगा कि किस शेड्यूल में हमें कैपेसिटी करनी है, इंक्रीज़ करनी है कि डिक्रीज़ करनी है, वो शेड्यूल होगा। फिर हमें प्रोडक्शन प्लान करना होगा कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, और साथ में वर्कड आउट बेस्ड ऑन प्लान कैपेसिटी, हमें उसी तरह काम करना होगा जिस तरह से हमारा प्लान बना होगा। एंड प्लान कैपेसिटी इज यूजली लेस देन द डिज़ाइन कैपेसिटी। अब जो हमारा प्लान कैपेसिटी होता है वो डिज़ाइन कैपेसिटी से कम होता है, ठीक है। अब इसमें तीन फॉर्मूले हैं प्लान कैपेसिटी में, कौन कौन से हैं। पहला होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है, मान लो एक प्रोडक्ट बनने में 15 मिनट लगा, 15 मिनट मतलब वो हमारा एक्चुअल टाइम हो गया,
ठीक है 15 मिनट लेगा, वो हमारा एक्चुअल टाइम हो गया, और उसको टाइम दिया गया 20 मिनट्स। बिजनेस में 20 मिनट दिया गया और बनने में 15 मिनट लगा है, तो ये हमारा एक्चुअल टाइम हुआ और ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हुआ। ठीक है, तो इसको जो निकाल दिए, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। साथ ही साथ अब बोला यूटिलाइजेशन कैसे होगा, यूटिलाइजेशन निकालने के लिए जो हमारा एक्चुअल आवर्स होगा, एक्चुअल आवर्स जो होगा हमारा, एक्चुअल आवर्स मतलब जितना हमें दिया गया एक्चुअल आवर्स, और अवेलेबल कितना होगा, मतलब ये हमारा हमने काम किया 12 घंटे काम किया और अवेलेबल है हमारे पास 13 घंटे। ठीक है, हमारे पास 12 घंटे आवर्स है, 12 घंटे काम किया और 13 घंटे हमारे पास गिवन है, तो जो इसका डिफरेंस आएगा उतना हमने यूटिलाइज किया है। ठीक है, अब आता है कि प्लांट कैपेसिटी क्या होती है। प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए जो डिज़ाइन कैपेसिटी होगी, जो डिज़ाइन कैपेसिटी गिवन होगा, साथ ही साथ जो इफिशेंसी हम निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर, जो ये यूटिलाइजेशन आएगा उसको हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्लांट कैपेसिटी आ जाएगा। और प्लांट कैपेसिटी डिज़ाइन कैपेसिटी से हमेशा कम होती है। उसके बाद बोलता है प्लांट कैपेसिटी के बारे में कि प्लांट कैपेसिटी इज़ देयर फॉर कैलकुलेटेड बाई डिटरमाइनिंग द डिज़ाइन कैपेसिटी एंड मल्टीप्लाइंग द सेम विद द यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड एफिशिएंसी। अब जो यहाँ पे इंग्लिश में जो ये पैराग्राफ लिखा है उसको यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया कि जो हम प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे कि डिज़ाइन कैपेसिटी से मल्टीप्लाई होगा, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई होगा, और साथ ही साथ हमारा यूटिलाइजेशन से भी मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी क्या होती है, द एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज अ डिमॉन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैपेसिटी आती हैं, इसके अंदर आती हैं प्रोडक्ट मिक्स, ऑपरेटर स्किल एंड एक्सपीरियंस, फिर टाइप ऑफ जॉब्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जो खाली समय होता है उसे कहते हैं आइडल टाइम। तो कैपेसिटी प्लानिंग इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक बार हम बुक रीड कर लेते हैं, बुक में क्या है, हमने ये पढ़ लिया। अब इसमें बोलते, ये वाला पार्ट तो पढ़ लिया हमने, ये वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब इसमें बोलता है कि कैपेसिटी प्लानिंग इज ए कंसर्न विथ फाइंडिंग आंसर टू अ बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग कैपेसिटी सच एज क्या क्या, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड एंड व्हेन दिस कैपेसिटी इज नीडेड। अब क्या बोलता है, कैपेसिटीज प्लानिंग इज टू बी कैरिड आउट कीपिंग इन द माइंड फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान, मार्केट ट्रेंड, सेल्स फोरकास्टिंग एटसेट्रा। कैपेसिटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी। कैपेसिटी इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज अ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर पीरियड एंड टाइम। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा कैपेसिटी हमें प्लान कैसे करना है कि हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, फ्यूचर सेल के बारे में भी सोचना है, फ्यूचर सेल के बारे में भी सोचना है, मार्केट ट्रेंड का भी बारे में सोचना है, हमें अपना मार्केट ग्रोथ भी करना है, एक्सपेंशन भी प्लान करना है, प्लान को भी अभी आगे और भी बढ़ाना है। ठीक है, तो ये है कि कैपेसिटी इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी। हमें कैपेसिटी की रेट और प्रोडक्टिविटी कैपेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद आता है कि कैपेसिटी प्लानिंग इज मेनली टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म क्या होता है, कौन दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो विच आर कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट इज न्यू फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, दीज प्लान्स कवर अ टाइम हॉरिजन ऑफ मोर देन 2 ईयर। ये कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा साल का होता है लॉन्ग टर्म जो होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, विच टेक इंटू अकाउंट वर्क फोर्स साइज, ओवर टाइम बजट, इन्वेंट्रीज एट्सेट्रा। कैपेसिटी इज रेफर टू द मैक्सिमम लोड एंड ए ऑपरेटिंग यूनिट कैन बी हैंडल, द ऑपरेटिंग यूनिट माइट बी अ प्लांट, अ डिपार्टमेंट, अ मशीन, अ स्टोर, अ वर्कर। कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विस द प्लांट एंड कैन बी प्रोड्यूस। तो ये है। साथ ही साथ कि फिर फॉर्म्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग कौन कौन से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो बेस्ड ऑन टाइम होरिजन हो, एंड ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टाइम होरिजन के बेसिस पे होती हैं, एंड बेस्ड ऑन अमाउंट रिसोर्स एम्प्लॉयड, जो फाइनाइट कैपेसिटी होती है और इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग में होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या इधर क्या आता है कि कैपेसिटी प्लानिंग के डिसीजन कौन कौन से हैं। तो पहला डिसीजन क्या है हमारा, असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, फोरकास्टिंग द लॉन्ग रेंज फ्यूचर कैपेसिटी नीडेड, आइडेंटिफाइंग एंड एनालिसिंग सोर्स ऑफ कैपेसिटी फॉर फ्यूचर नीड्स,
evaluating the alternative source of capacity based on financial technology and economical consideration. Fear the selecting of capacity alternative most suited to achieve strategic mission of the firm. तो ये है मेन, बाकी कोई मेन नहीं है. तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है. अब इसके क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना. थैंक यू.